अंचल कार्यालय गोला में न्यू किसान मजदूर यूनियन के नेतृत्व में सहयोगी किसान समिति, अन्ना सोशल सोसाइटी एवं गोला फल सब्जी सहयोग समिति, सरला फल सहयोग समिति ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। प्रदर्शनकारियों और किसानों ने प्रस्ताव लाते हुए केंद्र सरकार से किसान बिल 2020 का अध्यादेश में संशोधन की मांग की है। कृषि उत्पादन व्यापार और संवर्धन सुविधा के अंतर्गत यह मांग की गई है कि MSP और MRP लागू की जाए, साथ ही सभी फसलों का समर्थन मूल्य भी लागू हो। मूल्य आश्वासन और कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 इस कानून के तहत किसानों ने मांग किया है कि निर्देशकर्ता के साथ साथ राज्य सरकार भी इसमें सहयोग करे, यानी अगर निवेश होता है तो किसानों के साथ अगर कोई व्यक्ति या संस्था धोखाधड़ी करती है तो उसकी भरपाई सरकार करने का जिम्मा उठाए। कि पहला तो किसान की मांग है कि जब हम खेती करते हैं तो बेचने की स्थान कहाँ होगी, तो बेचने के स्थान के लिए आज हमारा जो डेली मार्केट गोला पर था, आज यह सुंदरीकरण के नाम पर नहीं, करुणा के नाम पर भगाया गया है किसानों को कि जंगल में जाओ, जंगल की हवा लगेगा तो किसान का करुणा नहीं फैलेगा। तो अभिनव हम अंचल अधिकारी और प्रखंड अधिकारी से मैं कहना चाहता हूं कि किसान का सब्जी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाके किला बाजार में जो लगा रहा है, सब्जी बिक जाती है तो ठीक है, और सब्जी नहीं बिकता है तो वे लेकर कहीं नाली या गढ़ा में फेंकने का नौबत आज ये किला मार्केट में हुआ। अभिलंब गोला मार्केट में हमारे अंचल अधिकारी लगाने का मार्केट को काम करे और व्यवस्था जो आज अतिक्रमण में है उसको भी वे सुधारे, और ये मार्केट को जो सुदृढ़ीकरण जो लागू हुई है अभिलंब, ये दिक्कत कहां कि महीना में एक रोज काम और इस तरह किसानों का 10 वर्ष से जंगल में रखोगे तो किसान मरेगा कि जिएगा। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल के तहत किसानों की मांग है कि किसानों के क्रय मूल्य के आधार पर सभी खर्च को जोड़कर विक्रय मूल्य में तय होना चाहिए, ताकि आम किसान और जनता को बराबर बराबर मूल्य उपलब्ध हो सके। सैकड़ों किसानों ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपा है। गोला से मुखर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।